सको उसी क्वेश्चन को लेता तो फिर वो देख थोड़ी दिक्कत करता, तो इसलिए क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने। वो क्वेश्चन फिर मैं करा दूंगा, पर अभी मैंने क्वेश्चन चेंज कर रखा है। तीन अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं अगर हम अकाउंट की बात करें। जर्नल एंट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन बनाकर भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब अकाउंट बनाना सीखना है क्योंकि पेपर में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और इस साल ज्यादा चांसेस जो है अकाउंट्स बनाने के हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। ये तीन अकाउंट बनने हैं हमारे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने तीनों के फॉर्मेट एक साथ ले लिए हैं। उस दिन भी तुम्हें बताया था सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले अपनी पूरी बैलेंस शीट डाल दो, क्योंकि बाद की चीजें बाद में पढ़ने की है, पहले अपनी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करो। तो देखो, बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपनी लायबिलिटी साइड लेते हैं, क्योंकि डिसॉल्व फर्म हो रही है तो सारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो ये पूरी बैलेंस शीट किसी ना किसी इन तीन अकाउंट में जानी है, ये हमें समझना है। अगर मैं इतना भी ढंग से कर लूं तो ये गारंटी है कि मुझे कम से कम भी, अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिल जाएंगे सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करने, ठीक है। और अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिल जाएंगे सिर्फ ट्रांसफर के, तो मैं कम से कम 2 नंबर तो कंफर्म कर लूं पहले, पूरे तो बाद में देखेंगे। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं, पहले क्रेडिटर है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो ये कंफर्म हो गया कि ये कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। अब वैसे इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जर्नल एंट्री में देखें तो ये डेबिट होनी चाहिए और रियलाइजेशन क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन के कहां जानी चाहिए, फिर ये क्रेडिट में, क्योंकि रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप सबसे पहले यहां पर बाय क्रेडिटर लिख दीजिए, आप सन्ड्री लाइबिलिटी लिखकर भी इनको एक साथ डाल सकते हैं, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, और नीचे जाएं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या करते थे, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब एडजस्टमेंट है, जब एडजस्टमेंट हमारी होती थी तो दो तरीके से करते थे, कुछ उसमें से एडजस्ट कर देते थे, कुछ वहां कर देते थे। अभी हम इसका एक ही ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम रियलाइजेशन में डाल देते हैं, तो 10,000। बाकी इन्वेस्टमेंट और नीचे की एडजस्टमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम फ्लक्चुएशन फंड को डाल रहे हैं। ये भी एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम थी, तो इसको खत्म करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ता, डेबिट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट, तो इसलिए रियलाइजेशन के ये भी क्रेडिट में है। रिजर्व फंड जो है हमें पता है कहां जा रहे हैं, हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो इसको मुझे वहीं डालना है। पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छूने के लिए मुझे सबसे पहले उसके बैलेंस ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम इन तीनों पार्टनर्स के बैलेंस ट्रांसफर कर दें, फिर हम रिजर्व फंड पर जाएंगे। तो तीनों पार्टनर के नाम है भुवन, सूरज और इब्राहिम, ठीक है। अब बैलेंस इनके, बैलेंस बीडी, बैलेंस है 30,000, 20,000 और 10,000, ये इनके बैलेंस हैं, ये आ गए। अब वो रिजर्व फंड डाल दो जो इस तरफ का था। अब रिजर्व फंड के बारे में पता है कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, पार्टनर यहाँ ओल्ड क्या, सारे पार्टनर खत्म हो रहे हैं, तो तीनों पार्टनर ही ओल्ड है, रेशो ओल्ड रहेगी। ओल्ड रेशो कितनी है हमारी, ओल्ड क्या न्यू, सभी यही है, तो 3:1। तो 3:1 में आपको 12,000 डिवाइड करने हैं, तो जब 12,000 को मैं 3:1 में डिवाइड करता हूं तो 2,000 यहां आता है, 4,000 यहां आता है और 6,000 यहां आता है। तो मैं देखूं अपनी पूरी लायबिलिटी साइड, तो मैं सारी चीजें जिस भी अकाउंट में जा सकती थी, कुछ रियलाइजेशन में, कुछ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चली गई। अब अपनी एसेट की बारी आती है, ठीक है। अभी मेरा काम सिर्फ बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने का, मतलब कि इन अकाउंट्स को
लगभग लगभग क्लोज करने की कंडीशन में हूँ, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्लोज नहीं हो सकते, वो लास्ट में होंगे। ऐसे ही ये जो कैश है इसका अकाउंट भी क्लोज नहीं हो सकता, तो इसका भी सिर्फ अभी मैं बैलेंस शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या इसको अभी मैं क्या कर रहा, क्लोज नहीं कर रहा। तो आप यहां पर सिर्फ इसके बैलेंस को अभी शिफ्ट कर रहे हो, ये क्लोजिंग नहीं कहलाएगी क्योंकि अकाउंट ये पूरी तरह से बंद होना है, बाद में होगा। अब अगली पे आइटम पे पहुंचे तो स्टॉक है, ऑब्वियसली है, स्टॉक एक एसेट है और एसेट का अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मुझे उसे डेबिट करना है तो डेबिट बैलेंस के साथ है वो, ये ऑलरेडी किस बैलेंस के साथ है डेबिट, और मुझे इसको क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब मैं स्टॉक को क्रेडिट कर रहा हूं तो डेबिट किसको करूंगा, फिर रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन अकाउंट में डालने की बात आए तो मुझे रिलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और टू स्टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना कि सारी एसेट जब क्लोज होंगी तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगी, ठीक है। ये क्लोजिंग एंट्री है, अभी रियलाइजेशन की एंट्री नहीं है। स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम देखूं तो डेटर्स, तो डेटर को भी क्लोज करना है, उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर्स हैं हमारे 62,600, नेक्स्ट आइटम चलूं तो वो इन्वेस्टमेंट जिसका फ्लक्चुएशन फंड गिवन था तो आप उसको भी लिख दीजिए। ये भी डेबिट बैलेंस के साथ है तो इसको भी अगर मुझे क्लोज करना पड़ेगा तो मैं इसको भी क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। कितना अमाउंट, 16,000। आगे चलते हैं तो फर्नीचर मिलता है, फर्नीचर भी एक एसेट है, डेबिट बैलेंस के साथ है, उसको भी क्लोज करना है तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहां आएगी, डेबिट में, क्योंकि तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 20। अब चाहो तो इन सारे अमाउंट को अंदर लिखकर इनका टोटल भी बाहर डाल सकते हो, ऊपर हेडिंग को चेंज करके बस टू सन्ड्री एसेट कर देना और अंदर इन सारे बैलेंस को लिखकर टोटल भी बाहर डाल सकते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। अब देखें तो पूरी पूरी जो बैलेंस शीट है हमारी, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मैं ट्रांसफर कर चुका हूं इन तीन अकाउंट्स में, जहां ये जा सकती थी, ठीक है। तो अब मेरा कम से कम इनको ट्रांसफर करने का जो काम है वो पूरा हो गया। अब मैं जो करूंगा वो करूंगा, इनका रियलाइजेशन क्या है, रियलाइजेशन पर हम इनकी एंट्री कैसे करेंगे। अभी शुरू करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं जो एंट्री पास की थी, सो दैट आप इजीली देख पाए बाकी चीजों को। अब इसकी चेंज करने से जो पीछे लिखा हुआ है वो चेंज हो गया, तो एक बार मुझे इसको दोबारा वहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपनी एडजस्टमेंट पर आते हैं एक एक करके। पहली एडजस्टमेंट ए है और वो उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। कहा गया कि इन्वेस्टमेंट को भुवन ले गया, ठीक है, कितने में ले गया, 18,000 में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया गया भुवन के द्वारा। अगर भुवन नहीं लेता तो मुझे उससे पैसे मिलते, कैश अकाउंट डेबिट होता, पैसे मिलते बोल रहा हूं इसलिए। तो वो पैसा नहीं मिला तो कौन देगा उसको, भुवन। तो हम किसको डेबिट कर देंगे, भुवन को, ठीक है। टू, अब इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना, हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट वर्ड लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हमारा रियलाइजेशन में जाकर बंद हो चुका है अकाउंट,
तो अब यहां आपको क्या लिखना है फिर रियलाइजेशन। तो जो समझने की चीज थी वो ये थी कि जब आप रियलाइज करवाओ तो फिर उस एसेट की नाम की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अब दिख रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो ऊपर आपने लिखा है डेबिट में वो लिख देंगे, मतलब कि भुवंस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट। कितने में ले गया? 18। प्रॉफिट लॉस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो एंड में अपने आप निकल जाएगा। अब अगर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़े तो वो ये है कि स्टॉक, अब एक और एसेट आई स्टॉक, बस टेकन ओवर बाय सूरज, फिर पार्टनर लेके जा रहा है। जैसे यहां भुवन लेके जा रहा था, अब की बार सूरज लेके जा रहा है, तो हम सूरज को डेबिट करेंगे कितने से? 17,500 से। तो पहले इतने का ही काम कर लेते हैं। देखिए अब ये भुवन की जगह क्या हो गया? सूरज हो गया। चेंज सिर्फ क्या हुआ कि भुवन हटा और यहां क्या आ गया? सूरज। और जितना मैंने उस समय किया था उसको मुझे थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? तो उतना समय मैं तुम्हारा लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर दूंगा। ये हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे और रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने बताया था कि जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो सबसे पहले आप ट्रांसफर करोगे, और सारी लाइबिलिटी क्योंकि क्रेडिट बैलेंस की क्रेडिट में जाएगी अकाउंट में। अकाउंट के लिए ये रूल होता है, जनरल एंट्री के लिए जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि वो होती भी जस्ट अपोजिट। हमें ये अकाउंट बनाना था, कैश अकाउंट भी बनाना था, साथ ही साथ हमारे जो तीन पार्टनर्स थे वो भुवन, सूरज और इब्राहिम थे। भुवन, सूरज, इब्राहिम। तो जब मैंने शुरू किया था मैंने बताया था लायबिलिटी सबसे पहले स्टार्ट ट्रांसफर करो, तो मैं सबसे पहले सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर देता हूँ संडे लायबिलिटी लिखकर, क्योंकि इस तरीके से मैंने नहीं कराया था। तो अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस तरीके से करा देता हूँ। क्रेडिटर्स लिखूंगा इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखूंगा, दो ही चीजें थी क्रेडिट साइड में। एक का बैलेंस था 50,400, दूसरे का बैलेंस था 10,000। टोटल करते हैं तो 60,400 की एक्सटर्नल लायबिलिटी। रिजर्व फंड के लिए बोला था आपको, रिजर्व फंड हम ट्रांसफर करेंगे पर उससे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम ये बैलेंस ट्रांसफर कर दें तीनों के। ये है 30,000, 20,000 और 10,000, उसके बाद हम रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। तो रिजर्व फंड को ट्रांसफर करते हैं, 12 था, हमने देखा था कि 6, 4 और 2 में डिवाइड हुआ था, तो पूरी जो लायबिलिटी साइड थी वो पूरी हो गई। एसेट साइड डालते हैं, सबसे पहले कैश बैलेंस था तो हमने यहां पे लिख दिया था बैलेंस बीडी 13,700। बाकी जितनी थी वो ज्यादातर एसेट्स हैं और वो संड्री एसेट्स के नाम से हम यहां लिख सकते हैं, जिससे हम टोटल हमारा आसान हो जाए। स्टॉक, टेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये चार एसेट थे। इन चारों के अगर बैलेंस डालें 20,100, 62,600, 16,000 और 20,000। अब इसका टोटल देखें हम तो 1,18,700 आता है। ये बैलेंस शीट की जितनी आइटम थी ये भी हमने डाल दी, पूरी बैलेंस शीट हमने डाल दी थी। फिर हम एडजस्टमेंट पे आए थे। पहली एडजस्टमेंट जो थी उसमें भुवन जो है एक एसेट लेके जा रहा था, तो वो पैसा मुझे किससे लेना था? भुवन से। तो मैंने एंट्री करी थी भुवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में डाल दिया था। कितने में लेके गया था? 18 में। और बताया था कि अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एक अफेक्ट उस समय रह गया था हमसे
हमने भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, तो इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी उसकी एंट्री होनी थी, वो चीज रह गई थी, तो अब उसको पूरा कर देते हैं। भुवन कैपिटल अकाउंट की जो डेबिट साइड है वहां आप रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर ये अमाउंट भी लिख दीजिए जितना है। अब ये बात आपको समझनी है कि जितनी भी एडजस्टमेंट आप करोगे दो जगह जाएंगी। बैलेंस शीट जब ट्रांसफर कर रहे थे तो सिंगल इफेक्ट था, अब आपका डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको अब हर बार समझना है जो भी एडजस्टमेंट करो। अब हम इस पे आए थे स्टॉक पे, स्टॉक पे भी हमने कहा था कि सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा आपकी बार, क्योंकि सूरज जो है स्टॉक को लेके जा रहा था, तो हम एंट्री करेंगे सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जब ये हुआ है तो दोनों अकाउंट आपको दिख रहे हैं जो अफेक्टेड है। चाहो तो आप पहले रियलाइजेशन में लिख लो अमाउंट, कितना लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे सूरज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्या डेबिट हो रहा है सूरज। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहां पर भी कि स्टॉक है ये जिसको सूरज ने लिया है। अमाउंट कितना है 17,500, तो ये आप लिख दोगे। ऑब्वियसली ये फिर डेबिट जो कैपिटल अकाउंट कर रखा है उसको भी यहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे और ब्रैकेट में यहां पर क्या लिखोगे स्टॉक, और एंट्री जो आएगी वो सूरज के अकाउंट में आएगी। दोनों इफेक्ट इसके भी हो गए। आगे पढ़ते हैं, बोला फर्नीचर जो है वो टेकन ओवर कर लिया इब्राहिम ने और बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू का मतलब 20,000 पर। तो एंट्री में अब जो ये सूरज हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये सूरज सूरज ना रहकर अब क्या बन जाएगा इब्राहिम, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे अब इब्राहिम। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फिर एक तो कैपिटल अकाउंट पे रियलाइजेशन पर दो जगह इफेक्ट है, तो यहां आप फिर क्या लिखोगे इब्राहिम। बुक वैल्यू बोली है तो आप पूरा लोगे 20। ठीक है, ब्रैकेट में यहां लिख सकते हो किस चीज के दे रहे हो, ये फर्नीचर के लिए। ऐसे ही यहां पर आप फिर रियलाइजेशन अकाउंट यूज करोगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ही क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में जो ट्रांसफर हो रही है यहां से यहां ऐसे। ठीक है, और ये जो डेबिट वाला था पोर्शन ये यहां गया ऐसे। बस रियलाइजेशन अकाउंट का जो अकाउंट देखोगे तो ये है, ठीक है, जिसके अकाउंट में जा रही है, और एंट्री किसके नाम से जा रही है, इसके नाम से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जिनको हमें समझना होता है। तो यहां पर आप लिख दोगे अब फर्नीचर और अमाउंट जो लिख दोगे वो इब्राहिम के कॉलम में लिख दोगे। तो ये एडजस्टमेंट हमारी दो पूरी हो गई यहां पर। अब हमें कहा गया कि सी एडजस्टमेंट कहती है कि 60,500 मिले रियलाइजेशन रियलाइज्ड हुए किससे, डेटर से। अब ऑब्वियसली जो ये अकाउंट खुला हुआ है कैश अकाउंट, आप ये एंट्री कैश के थ्रू ही करोगे, किसी और माध्यम से हम ये एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट हम नहीं खोल सकते। तो अब आपको पैसा मिल रहा है रियलाइज बोला है, तो कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे। ठीक है, और क्या करोगे रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना है कि कोई भी एसेट अब नहीं लिख सकते क्योंकि उसका अकाउंट बंद हो चुका है। तो दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक कैश अकाउंट दिख रहा है, एक रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है। रियलाइजेशन में तो कैश का नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट चाहो तो लिख सकते हो डेटर रियलाइज। तो ये आपके ऊपर है क्या लिखना चाहते हो। अमाउंट 60,500। दूसरा इफेक्ट हमारा पड़ा कैश अकाउंट पे, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में डालूंगा, नाम रियलाइजेशन लिखूंगा। वैसे भी जब कैश आता है तो डेबिट ही होता है, तो वो ही हम यहाँ कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको किस तरीके से समझ में आता है ये आपको समझ में आ रहा है। अब लास्ट एडजस्टमेंट पर पहुंचते हैं, क्रेडिटर। देखो अगर लाइबिलिटी आप देखो जो यहाँ लिखी है हमारे रियलाइजेशन में, तो एक तो लाइबिलिटी क्रेडिटर है, दूसरी फ्लक्चुएशन फंड है। फ्लक्चुएशन फंड का पैसा तो आपको किसी को देना नहीं, सिर्फ क्रेडिटर को ही पैसा देना है, सीधी सी बात। वही क्रेडिटर को यहाँ बताया कि कैसे सेटल किया, ये बताया कि फुल सेटल किया। फुल का मतलब जितना अमाउंट है, 50,400 है, तो आपने पूरे 50,400 की पेमेंट कर दी। ठीक है, पेमेंट कैसे हुई होगी, पेमेंट आप कर रहे हो तो ये पक्की बात है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। डेबिट क्या हुआ, रियलाइजेशन। ठीक है, ये एंट्री हमने सीखी थी।
इस एंट्री से पता चला कि रियलाइजेशन भी मेरी एंट्री जाएगी, कैश में भी जाएगी। रियलाइजेशन की डेबिट में मैं लिख चुका हूँ, यहाँ क्या लिखोगे आप, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्रेडिटर। ऐसे यहाँ क्या लिख दोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे क्रेडिटर। फुल बोला है तो 50,400। आगे भी कुछ बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए कंपनी के इस सारे काम, इस प्रोसेस को पूरा करने में, और वो 4,500 का अमाउंट है। तो एंट्री फिर यही रहेगी जो क्रेडिटर को पेमेंट करने की थी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां आप दोबारा फिर क्या लिखोगे, कैश अकाउंट लिखोगे। अब ये कैश अकाउंट किस लिए आ रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 4,500। अब ऑब्वियसली है क्योंकि कैश अकाउंट में भी ये एंट्री जाएगी, तो ये फिर यहां पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट और क्या लिखेंगे इसके नीचे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये एंट्री हुई किस लिए है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। तो इस तरीके से हमारी जितनी एडजस्टमेंट थी और जितनी फिगर्स हमारी बैलेंस शीट में थी वो हमने सब डाल दी। तो एंट्री करने का, ट्रांसफर करने के सारे काम खत्म हुआ। अब क्या करना है, धीरे धीरे, क्योंकि पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो एक एक अकाउंट धीरे धीरे क्लोज करना है। शुरुआत हमेशा रियलाइजेशन से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना शुरू करता हूं। सबसे पहले यही समझना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो देखें यहाँ 1,18,000, 50,000 उसमें जोड़ देता हूं तो 1,68,000, 4,000 और जोड़ देता हूं तो 1,72,000। तो ये 1,73,000 समथिंग की फिगर बैठेगी यहाँ पर। यहां अगर देखूं 60 और 20, 80 और 17, 97, 105, 115, 175। यहां 175 प्लस ये 1,176, तो ये कहीं जाकर बड़ी साइड जो दिखती है वो लाइव ये दिखती है, क्रेडिट साइड। ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो मैं बड़ी का ही टोटल पहले करता हूं। अब देखें तो एक लाख 76,400 आता है। जब वो यहां ट्रांसफर करता हूं और इसमें से माइनस करता हूं, 1,18 और 50 कितने हो गए, 68 और 4 72 होते हैं। 72, 1,73, 1,73,600। तो 1,73,600 इसका टोटल है। 400 और जोड़ दूं तो ये 1,74,000 हो जाता है। तो फिर 2,400 ये और 400 वो, तो टोटल प्रॉफिट जो निकलता है वो 2,800 का निकलता है। हाँ, इसको एक बार रीकन्फर्म जरूर करेंगे, गलत ना हो, कहीं कुछ गलत लग रहा है, इसलिए उसकी फिगर को मैं एक बार चेंज करने की। सात और चार 11 और 5 16, 16 से यहां पहुंचना है तो 8 आना चाहिए, 16 और 24 होते, 2 बचा, 10 हो गया, 10 और 4 14 होते हैं। 14 से 6 पे जाना है तो 2 जोड़ूंगा, कितने हो जाएंगे 16, 16 के बाद 1 हासिल, वो यहाँ पे गया 2, 2 और 5 7 बराबर है, 1 7 बराबर है, तो 2,800 का प्रॉफिट हमारा आता है। तो ये एक बार रिकन्फर्म हमें कर लेना चाहिए सो दैट वो गलत ना हो। अब ये जो जितना अमाउंट आया, ये 2,800, ये आपको 3:2:1 जो इनकी ओल्ड रेशियो है उसी में डिवाइड करना है और बिटवीन ऑल द पार्टनर्स करना है जो भी है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भुवन, सूरज और इब्राहिम, ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे। थ्री टू वन में अगर इसको डिवाइड करते हैं, फोर 67 यहां आता है, 1,400 यहां आएगा,
और 933 यहाँ आएगा, तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एक बार मैं टोटल चेक कर लूँ क्योंकि मुझे फिगर में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं एक बार टोटल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये प्रॉफिट आया, इसकी जनरल एंट्री अगर कोई हमसे पूछे तो रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे और तीनों पार्टनर अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये पता चलता है कि पार्टनर की क्रेडिट में जा रही है, तो हम पार्टनर के क्रेडिट में पहुंच जाते थे और रियलाइजेशन अकाउंट जो आ रहा है वो हम डेबिट कर देंगे। तो आप यहां लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट और उसका जो भी प्रॉफिट है वो ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं। 1400 यहां हो रहा है, 933 यहाँ हो रहा है और 467 यहाँ हो रहा है। अब मुझे अपने इस कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करना है। अभी कैश पर नहीं जा रहे, कैश कैपिटल के बाद बंद होगा। तो फर्स्ट हमें इसको बंद करना होता है, सेकंड इसको क्लोज करना होता है। तो देखे तो यहाँ देखिए, ये एक एंट्री जो है फर्नीचर लेने की वजह से इब्राहिम को तो पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास 10,000 और 12,467 रुपए ही हैं और 20,000 उसने फर्नीचर के देने हैं क्योंकि बुक वैल्यू पर बोला था और फर्नीचर कितने का है, 20 का। तो ये एक ऐसा केस है जो ये पैसे देगा फर्म को, यहाँ फर्म को पे नहीं करने बल्कि ये फर्म को पे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस एंट्री में हम यहाँ पर बाय कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि इसको पैसा लेके आना पड़ेगा। इसमें देखे तो 20,000 है, ये 17 है, कम है। यहाँ देखे 30 है, ये 18 है, ये भी कम है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी के अकाउंट में कैश इब्राहिम को लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। अभी ₹7,533। तो अगर इसकी जनरल एंट्री देखें तो ये जनरल एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है फर्म के पास, और इब्राहिम कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री है इसकी, तो ऑब्वियसली इब्राहिम की तो ये आई गई यहां पर। अब कैश अकाउंट की डेबिट साइड में डालना है आपको और यहां आप लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, इब्राहिम कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 7,533। अब अकाउंट क्लोज करते हैं सूरज का। देखे तो सूरज आता है 24,933 रुपए, इसका टोटल इस तरफ का आता है। वो बैलेंस में यहां पहुंचाऊंगा 24,933। उसमें से अगर जो भी उसका जो उसने एक चीज ली है स्टॉक, उसको पैसे अगर माइनस में कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे उसको कितने देने हैं। ₹7,433 आता है। इसकी जनरल एंट्री आप देखोगे तो इसमें सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और टू क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। ऑब्वियसली ये कहां जा रहा है, क्रेडिट में, किसके नाम से, सूरज के नाम से। कितना अमाउंट, 7,433। अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं भुवन के, तो 37,400 आता है। में से अगर मैं 18,000 माइनस करता हूं तो ये 19,400 आता है। इसकी एंट्री भी यही होगी, बस सूरज नहीं आएगा, भुवन आ जाएगा। भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऑब्वियसली ये भी कहां आएगा, यहां पर। क्या करेंगे, भुवन्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना, 19,400। अब कैश अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए, अगर वो टैली होता है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, और अगर वो टैली नहीं होता तो हम क्वेश्चन को कहीं गलत कर चुके हैं। जैसा लास्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी ऐसी ही, ठीक है। चेक करते हैं,
अभी तक तो टैली है। तो इस क्वेश्चन को जो है हमारे इसके बैलेंस टैली होते हैं। इसका मतलब हमने जो भी काम किया, जो भी वर्किंग नोट इसमें बनाए, जैसे भी इसको फॉलो किया, वो क्वेश्चन सही है, क्योंकि आंसर हमारा टैली हो रहा है। एक चीज कभी कभी क्वेश्चनेबल हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते। नॉर्मली हम कर देते हैं अगर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। अब एडजस्टमेंट है तो नो, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाती है। यहाँ ऑल्दो बढ़ रही थी, आप देखो तो 16,000 की थी, 18,000 पे हो रही है, तो फंड यूज ही नहीं हो रहा था। पर क्योंकि फंड फिर कंडीशनल हो गया, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ डाल दिया था। अब वो यहाँ डले या यहाँ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन उसका उसी तरीके से होना है। तो इस तरीके से हमने इसको किया सो दैट वो एक जैसा रहे। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था ये हमारा समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।